हेलो प्लेयर्स, आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डीपी कबड्डी में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप प्रो कबड्डी में इजीली रेफरी कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपसे सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से आप प्रो कबड्डी रेफरी बन सकते हैं, कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी। तो आपकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। 20 साल से कम उम्र है आपकी तो आप रेफरी नहीं बन सकते हैं। 40 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप तब भी रेफरी नहीं बन सकते हैं। तो आपकी जो एज है वो 20 से 40 साल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एजुकेशन। तो आपको 12th पास होना चाहिए। अगर 12th पास नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं, आप रेफरी नहीं बन सकते, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंप्यूटर स्किल्स, कि आपको कंप्यूटर स्किल्स भी हल्की फुल्की आनी चाहिए। ज़्यादा हार्ड स्किल्स नहीं, नॉर्मल स्किल्स आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी चाहिए नॉर्मल, ये तो हर फील्ड में ज़्यादातर जरूरी रहता है कि कंप्यूटर स्किल्स तो हल्की फुल्की आनी चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मल वही कबड्डी के रूल्स वगैरह पूछे जाते हैं, विसिल कैसे यूज़ करते हैं वो पूछा जाता है, स्कोर शीट कैसे फिलअप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है रेफरी की वो सब पूछी जाती है। एंड क्या क्या रेफरी इक्विपमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द मैच, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस टेस्ट को पास करने के बाद आप ऑफिशियल AKFI के रेफरी बन जाते हैं। देन आपको छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में इन्वाइट किया जाएगा अपनी स्टेट के अंदर। अगर आप उसके अंदर अच्छे से अपना रोल निभाते हैं, अच्छे से अपनी रेफरी की ड्यूटी निभाते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं, तो आपको आगे नेशनल टूर्नामेंट्स में भी इन्वाइट किया जाएगा। देन नेशनल के बाद अगर आप वहां पर भी अच्छी तरह की ड्यूटी निभाते हैं तो आपको प्रो कबड्डी से टूर्नामेंट में इन्वाइट किया जाएगा। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रो कबड्डी में रेफरी बन सकते हैं इजिली। वो भी अगर आपकी जान पहचान अच्छी है तो आप बहुत जल्दी आप प्रो कबड्डी तक पहुंच सकते हैं एज अ रेफरी। सो आप अगर प्रो कबड्डी में रेफरी बन जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल इवेंट्स में बनाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको इनकम भी काफ़ी अच्छी मिलेगी एंड आपको टूर करने का भी काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको रेफरी बनने में इंटरेस्ट है, आप रेफरी बनना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को। मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा जब भी रेफरी की कोई भी वैकेंसी निकलती है AKFI के थ्रू। तो वीडियो को देखने के बाद धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।